शाहपुर थाना क्षेत्र के रेलवे डेरी कॉलोनी में रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी रामकृपाल कुशवाहा, जिसकी आयु 42 वर्ष, अपनी पत्नी जिसकी उम्र 36 वर्ष के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताते चलें कि सोमवार की रात पति पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक बताई जा रही है। रात में अपने बेटे जिसकी उम्र 10 वर्ष है और बेटी जिसकी उम्र 7 वर्ष है, दोनों को खाना खिलाकर कमरे में सोने के लिए भेज दिया और बच्चों से कहा कि सुबह स्कूल छोड़ने जाएंगे। यह कहकर वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बाद बंद कमरे में कुछ आहट होने पर बच्चे उठ गए। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो मम्मी और पापा फांसी के फंदे से लटके हुए थे। यह देखकर दोनों बच्चे चिल्लाने लगे। बच्चों को चिल्लाता हुआ देख डेयरी फॉर्म में रहने वाले उसके चाचा एवं पड़ोसी इकट्ठा हो गए। चाचा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया, थाना शाहपुर की चौकी कौवाबाग पर आज रात लगभग 12:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे डेयरी कॉलोनी में सरकारी आवास में निवास करने वाले पति पत्नी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर मौके पर चौकी और थाने की पुलिस पहुंची और साथ ही साथ फील्ड यूनिट को बुलाया गया। मौके से जो भी साक्ष्य एकत्र करने थे सभी साक्ष्य एकत्र किए गए। दोनों जो मृतक थे उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।